आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ प्रियंका। आपको बता दें कि महावीर जयंती के उपलक्ष में इस शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पहुंचे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो देश में इस वक्त घटित हो रही है और किस तरह से हमें महावीर जयंती के अर्थ को समझाया। आइए सीधे रुख करते हैं उस कार्यक्रम का और देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था। परिचय में ही आपको बताया गया है कि मेरे कार्यक्रम का नाम बिंदास बोल है, इसलिए मुझे थोड़ी सुविधा है क्योंकि मुझे बहुत ही लकीर के साथ फकीर वाली भाषा जमती नहीं है, थोड़ा बिंदास स्टाइल में बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा स्वभाव भी है और आज मुझे लगता है कि उसका विषय भी है। एक नाम लेना जरूर भूल गया, मुझे लगता है कि उनका नाम लेना चाहिए, ऐसा यहाँ बैठे सारे लोगों को लगता होगा, श्री सुरेश दादा जैन जी। सुरेश दादा जी आज हमारे बीच में नहीं है। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कमेंट नहीं करता, लेकिन सुरेश दादा अगर किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के होते तो निश्चित तौर पर यहाँ भी होते और उनका सरकार ही खुद सम्मान करती, क्योंकि वोट बैंक जब आती है तो सरकार झुकती है और फिर देश के सारे संसदानों पर उस अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार होता है, ऐसा देश का खुद प्रधानमंत्री कहता है। तो सुरेश दादा भले यहाँ पर नहीं है लेकिन हम सब लोग उनको याद करते हैं। मुझे पता चला कि उनके सामने कोई पॉलिटिकल ऑफर भी दिया गया कि आप कहिए कि हमसे गलती हुई तो आपको सारे गुना माफ, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया और उनके नाम के साथ जो दादा लगा है उन्होंने वो दादा अपने नाम में भी और अपने काम में भी दिखा दिया। वैचारिक राजकीय मतभेद हो सकते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है, लेकिन किसी के ऊपर केवल उसके साथ वोट कम है या राजकीय द्वेष के साथ अगर अन्याय होता है तो ये गलत है, इसका निषेध भी होना चाहिए। जलगांव में आने का जब तय हुआ तो मुझे लगा कि संत मुक्ताई की इस नगरी में बहनाबाई के संवेदनशील इस भूमि में और गोल्ड के लिए सोने के लिए जलगांव जाना जाता है। जब मैं आ रहा था तो मेरे पत्नी ने भी मुझे जलगांव का ये परिचय बताया कि ये गोल्ड के लिए जाना जाता है, तो गोल्ड के लिए जाना जाता है और यहाँ की केली भी देश दुनिया में पहचानी जाती है। मुझे हमेशा जलगांव का आकर्षण रहा है कई कारणों से। एक तो मेरे कुछ मित्र यहाँ शादी करके या कुछ व्यवसाय करने के लिए कोपरगांव जैसा एक्स कैलिफोर्निया छोड़ के जलगांव क्यों आए, ये भी मेरे लिए आकर्षण था। दूसरा था कि यहाँ का व्यक्तित्व बड़ा ही मृदुभाषी है, अच्छे स्वभाव का है और उससे भी अच्छा वो बिंदास बोल है और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जलगांव में हम जाएंगे और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। मैंने अपने सामाजिक जीवन की जब शुरुआत की तो मुझे मेरे जीवन का पहला पुरस्कार बोलने के लिए एक कॉम्पिटिशन हुआ था और उसमें सवाल जवाब थे। वो सवाल जवाबों का पहला कॉम्पिटिशन मैंने महावीर जी के ऊपर उत्तर देके ही पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि महावीर जयंती पर अगर बोलने का मौका मिलता है तो देश की बलात्कार की राजधानी छोड़ के जलगांव जाने में कोई हर्ज नहीं है, कम से कम कुछ घंटे के लिए दिल्ली से दूर रहेंगे तो यहाँ का सहवास और यहाँ के अच्छे संस्कार लेके जाएंगे तो वहां पर भी कुछ उसका परिणाम होगा। तब ये नहीं रहेगा तो भी आवाज जाएगा, चिंता मत। तो पहला जो पुरस्कार मैंने जीता था उसमें शब्द महावीर नहीं था, लेकिन हमारे एक घंटे के अलग अलग भाषण के बाद एक एक लाइन में जवाब दो करके कंपटीशन का आखिरी हिस्सा था और उसमें कहा गया था कि सबसे बड़ा वीर कौन होता है। तो मैं उस पांचवी छठवीं कक्षा में था, मेरे साथ के सारे जो लास्ट पांच कॉन्टेस्टर थे, स्पर्धक थे, उन्होंने किसी ने कहा कि एक साथ 100 लोगों को मारने वाला, एक साथ 200 लोगों को मारने वाला, रजनीकांत स्टाइल में कह सकते हैं, ऐसे लोगों को वो वीर कहते थे। कोई कहते थे कि हाथ में तलवार लेकर या शस्त्र लेकर विजय प्राप्त करने वाला।
दें कि इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के जलगांव की हैं। मुझे अच्छी बात बोलता है तो मुझे अचानक ऐसा बोल दिया, उसका मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जिसके हाथ में शस्त्र है वो शस्त्र के आधार पर दुनिया को कितने सालों तक दबाए रखता है, ज्यादा दिन नहीं। शस्त्र जब नीचे रख देते हैं या शस्त्र का चलाने वाला चला जाता है तो उसका प्रभाव घट जाता है, इसलिए वो वीर नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा वीर अगर कोई है तो इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति जिसके पास कोई शस्त्र भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके सामने दुनिया शरण होती है, वो महावीर हो सकता है। इसलिए महावीर जी के ऊपर जब मैंने पहला मेरा वाक्य दिया और मैंने जीता तो मुझे लगा कि इसके ऊपर अभ्यास होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। दूसरी एक बड़ी घटना मुझे महावीर जी के ही संदर्भ में शिरडी में ही घटी। शिरडी में दुनिया भर के साधु संत आते हैं, कई साधु संत तो बहुत शीघ्रकोपी होते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे एक शीघ्रकोपी साधु संत शिरडी के एक कांच मंदिर में आए और उन्होंने वहां आने के बाद सबसे पहले कहा कि अरे ये क्या शीशे लगा के रखे हैं, उतारो इसको। अब जिन्होंने मंदिर बनाया, इतनी मेहनत की, इतने सारे शीशे लगाए, उनको तो उनकी बोलती बंद हो गई। अच्छा, किसी का सुनने के मूड में नहीं थे, बस वो आदेश दे रहे थे। तब मैं सामने गया और मैंने कहा माफ करिए, ये शीशे हमने इसलिए लगाए, मतलब उन्होंने कहा था कि क्या ये महावीर जी को दिखाना है अपने आप को, क्यों लगाए, निकाल दो। मैंने कहा कि ये महावीर जी ने ही कहा है ये शीशे लगाने को। बोले कैसे? मैंने कहा महावीर जी ने कहा है कि आत्म साक्षात करो, खुद को पहचानो, तो इस मंदिर में केवल मूर्ति की तरफ नहीं तो किसी भी कोने की तरफ हम जब देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं और अपने आप का साक्षात्कार और खुद को पहचानने में शीशे के टुकड़े हमको मदद करते हैं, ऐसा हमको लगता है इसलिए लगाया। और विशेष मानते हैं वो साधु जो इतने एकदम शीघ्रकोपी थे, उन्होंने एकदम से मेरे सर के ऊपर से हाथ रखा और कहा कि मैं तुमसे सहमत हूं, हमारे मंदिर में भी शीशे लगवा दो। तो आप अगर भगवान के वचनों को कहीं पर बोलते हैं, उनके विचारों को प्रखरता के साथ रखते हैं तो उसका उपयोग होता है। ये केवल बख्शीश जीतने के लिए, ये केवल कहीं पर किसी संत के सामने उसको वार्तालाप में कुछ सत्य दिखाने के लिए नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उपयोग में आता है। शिरडी में ही ऐसे मुख्यमंत्रियों की एक परिषद हुई थी, एक मुख्यमंत्री आए और उनका इतना डेंजर स्टाइल था कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि अब क्या किया जाए, इस आदमी को अगले 2-2.5 घंटे इसको झेलना है। तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, शिरडी में आए और उन्होंने बड़ा, हालांकि मैं महाराष्ट्र का नहीं कहने वाला था लेकिन मैंने कहा ना मेरी आदत बिंदास बोल के, मैं टाल नहीं सकता, सच बोलना पड़ता है, इसलिए वो मैंने बोल दिया। हमने क्या किया, वो इतने एरोगेंट थे, फिर मैंने, मुझे महावीर जी का एक वचन याद आया और मैंने मेरे एक मित्र को कहा घर पे जाओ और एक दुनिया का नक्शा लेके आओ, और वो दुनिया का नक्शा लेकर आया। मैंने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री को नक्शा दिया और मैंने कहा जरा अपना राज्य कितना बड़ा है दुनिया के नक्शे में आप देखो, महाराष्ट्र का मुझे भी अभिमान है, लेकिन दुनिया के सामने एक व्यक्ति, एक राज्य, एक देश भी बहुत छोटा है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए जो हम गलत तरीके से अभिमान, जिसको गर्व कहा जाए, वो अगर रखते हैं तो हम एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हंसी का पात्र बनते हैं, ये उदाहरण मुझे वहां पर लगा। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो और अपने खुद के ऊपर आत्मसम्मान के साथ स्वाभिमान रखो, ये विचार मुझे महावीर जी से मिले और मैंने तय किया कि इसी विचारों के साथ आगे जाना चाहिए। आज यहां आने के लिए मेरे मन में बोलने के कई विषय थे लेकिन मुझे लगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रवचन देने के अधिकारी, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, संत आए और आएंगे भी, देते भी जाएंगे। आजकल वैसे भी हम लोगों के टीवी चैनलों से आप लोगों को कई धार्मिक प्रवचन देखने वाले, देने वाले मिलते ही हैं। हालांकि टीवी चैनल का ओनर होने के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीवी पर जो कुछ दिखता है वो सब कुछ सच है, ऐसे भ्रम में आप मत रहिए। मैं, मेरे एसोसिएशन वाले कहेंगे कि ऐसा क्यों कहा, लेकिन बिंदास बोल बोलना पड़ता है इसलिए बता रहा हूं। टीवी पर पैसे देकर टीवी चैनल का स्लॉट खरीदने वाला अगर कोई आपको किसी गलत दिशा में लेके जा रहा है तो उसके बातों में मत आइए। कई लोग ज्योतिष के नाम पर आपको आपकी पगड़ी उतारने को कहते हैं,
कई लोग आपको चूड़िया उतारने को कहते हैं, बिंदिया उतारने को कहते हैं, न जाने क्या क्या संदेश देते हैं, और टीवी चैनल वाले केवल स्लॉट के पैसे मिलते हैं इसलिए उस प्रवचन को दिखाते हैं, लेकिन ऐसे चैनल वाले और ऐसे ढोंगी संत इस देश का, धर्म का और संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आग बन करके आप उस पर भरोसा मत रखिए। दूसरे, हम लोगों के जो न्यूज चैनल हैं इसके ऊपर भी पूरा भरोसा मत रखिए। मैंने जब से आया हूं तब से बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में बलात्कार की घटना के ऊपर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्या कहना है क्या नहीं। मैंने कहा कि हम लोगों के यहाँ पर भी मैच फिक्सिंग होती है, जैसे क्रिकेट में होती है ना, वैसे हमारे इंडस्ट्री में भी होती है। कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ए राजा ने प्रधानमंत्री और चिदम्बरम का नाम लिया कि इनको बताकर ही मैंने 2G के लाइसेंस दिए है। ए राजा ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया तो सरकार को लगा कि अगर ये राजा का स्टेटमेंट मीडिया उठाएगी तो बवाल होगा, उससे अच्छा है कि अपने ही एक हस्तक को बोल दो कि बलात्कार के खिलाफ आवाज उठा दो, दिल्ली में 7-8 दिन वही माहौल रहेगा, देश का ध्यान बढ़ जाएगा। ऐसे हमारे लोग ठेका लेके सुपारी लेके काम करते हैं, किसी व्यक्ति को बदनाम करना है तो उसका भी करते हैं और किसी को जानबूझकर बड़ा करना है तो वो भी करते हैं, इसलिए टीवी के ऊपर भी उतना भरोसा मत करें। तो किस पे करिए, जो वचन जो विचार हमें महावीर जी जैसे लोग देके गए हैं, यह हमारी पूंजी है, यह हमारा सामर्थ्य है, यह हमारे जीवन दर्शन का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन साधनों को अपने तरीके से देखते हैं। क्योंकि बहुत बार बताने वाले ही कहते हैं कि भगवान के विचार, साधु संतों के, महापुरुषों के विचार अगर पूरे आप अपने जीवन में नहीं ला पाए तो कुछ मात्रा भी क्यों ना हो लाइए। अब व्यक्ति बड़ा होशियार होता है, वो कहता है कि वैसे ही छूट दी गई है कि 100% की जरूरत नहीं है। तो फिर महावीर जी ने क्या कहा, जियो और जीने दो। तो छूट क्या मिली है कि पूरा लाने की जरूरत नहीं, तो वो कहता है कि जियो और जीने दो में से जियो लेते हैं, जीने दो रहने देते हैं। तो जब जियो ले लिया तो मैं खुद तो जीऊंगा लेकिन दुनिया को जीने के लिए अधिकार नहीं दूंगा, ये भावना हम ले लेते हैं क्योंकि हमने विचारों को पूरा नहीं लिया। वास्तवतः जो अलंकार होते हैं, जो शब्द होते हैं और जो खास करके विचार होते हैं, ये कभी अधूरे हो नहीं सकते। उसको जीवन में कभी अधूरा लागू नहीं किया जा सकता, उसे अगर लागू करना है तो पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है, अन्यथा उसका कुछ भी उपयोग नहीं। जैसे अहिंसा है, मैं कुछ पुराने संदर्भों के साथ इन मूल विचारों को कल, आज और कल में जब देख रहा था तो मुझे लगा कि क्या अहिंसा जिस प्रकार से हमारे सामने रखी गई है यही अहिंसा है? क्या भगवान महावीर जी को यह अहिंसा पसंद थी? जिस कॉलेज में मैं और विनोद साथ में पढ़ते थे वहां कभी अन्ना हजारे जी गांधी जयंती पे आए थे। मैं गांधी जी का बड़ा आदर करता हूं और आपने निमंत्रण दिया है तो मैं वहां पर जाने भी वाला हूं। लेकिन जब गांधी जी के बारे में हमारे सामने पूरा 2 घंटे का कई लोगों का भाषण हुआ तो मैं समाधानी नहीं हुआ, मैंने हाथ ऊपर किया और कहा कि मुझे इस विषय पर कुछ बोलना है। अन्ना हजारे जी को भी बड़ा अटपटा लगा कि मेरा भाषण होने के बाद ये कौन है जो ऐसा बोलना चाह रहा है। लेकिन हमारे प्रिंसिपल थे चौधरी साहब, और विशेष बात है कि वो भी जलगांव के थे, उन्होंने मुझे कहा कि अध्यक्ष भाषण भले ही हुआ हो, इस कॉलेज का स्टूडेंट अगर कोई असमाधानी या उसके मन में सवाल है तो उसको बोलने का मौका देना चाहिए। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं मंच पर आया, मैंने कहा कि मैं गांधी जी का सम्मान करता हूं लेकिन भारत के सामने, भारत के युवाओं के सामने आप गांधी को अधूरा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा हमने क्या गलत किया, जो हमको सालों से पढ़ाया आ रहा है, जो पुस्तकों में लिखा है वही बताया जाता है। फिर मैंने वही कहा कि पुस्तकों में लिखा हुआ ही सब कुछ सच होता है या बताया जाता है वही सब कुछ सच होता है, ऐसा नहीं है। हमको अहिंसा वाले गांधी सिखाए जाते हैं जो एक गाल पर चाटा मारने के बाद दूसरा गाल आगे करने के लिए कहते हैं, हमको ओ गांधी क्यों नहीं सिखाए जाते जो दक्षिण अफ्रीका में वर्ण देश के खिलाफ युवाओं को सड़क पर लाते हैं, आंदोलन करते हो, गांधी क्यों नहीं सिखाए जाते? क्योंकि वो गांधी अगर यहां सिखाए जाएंगे तो गांधी के नाम पर युवाओं का जोश, युवाओं के मन में सत्ता के प्रति संघर्ष करने की भावना वो आएगी, और अगर आएगी तो सत्ता कमजोर होगी,
इसलिए कहीं हमको वो अहिंसा इसलिए तो नहीं सिखाई गई कि आप कुछ भी मत करो, एक गाल पर मारो तो भी दूसरा गाल आगे करो, ऐसा नहीं है। ना ऐसा गांधी को अपेक्षित था, ना ऐसा महावीर जी को अपेक्षित था। मैंने कहा कि मैं अथॉरिटी नहीं हूं महावीर जी के ऊपर बोलने की, लेकिन मुझे जो महावीर जी समझ में आए हैं निश्चित तौर पर वो यही कहते हैं कि एक लिमिट के बाद अगर लक्ष्मण रेखा खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको आपका ताकत दिखाना जरूरी है। एक दूसरी घटना में आज के इस कार्यक्रम में आने के पहले महावीर जी के जीवन की पढ़ रहा था कि महावीर जी एक पेड़ के ऊपर कई बच्चे खेल रहे थे और वहां पर एक बहुत बड़ा अजगर आता है और सारे बच्चे भाग जाते हैं और महावीर जी डटे रहते हैं और शायद इसी के कारण उनको महावीर कहा जाता है। मैंने सोचा कि इस घटना को तब, आज और कल में अगर देखें तो हम महावीर जी के विचार केवल बोलने के लिए लाते हैं क्या? आज हम जंगल में नहीं रहते इसलिए हमको अजगर नहीं मिलते, लेकिन क्या इस देश में विदेशी आक्रमणकारी संस्कृति का अजगर हमारे ऊपर हावी नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन महावीर जी की तरह सामर्थ्य के साथ उसके सामने खड़े होने के बजाय हम उसको स्वीकार करके शरण जाए और हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उसके सामने नतमस्तक होकर पराजित हो रही है। हमें लगता ही नहीं कि ये कोई विदेशी कल्चर है या गलत है, क्योंकि उधर से आने वाला सब कुछ स्वीकार्य है ऐसा बताया जाता है और वो स्वीकारने वाला मॉडर्न है ये कहा जाता है और इसलिए हम इस मॉडर्न के चक्कर में अपने चीजों को छोड़ देते हैं। हमारे यहां के धर्मों का आधार वैज्ञानिक रहा है, कोई चीज ऐसी नहीं बताई गई। जैसे थोड़ी देर पहले यहां पर कहा गया कि शाम को खाने का, ऐसे कई चीजों का इसका वैज्ञानिक आधार इतना बड़ा है। ये जो रंग तय किए गए, ये रंग भी तय किए गए, इसकी एक ट्रीटमेंट है। इस रंगों को इस क्रम के साथ देखने वाले के ऊपर मानसिक उपचार होता है, लेकिन ये हम तब नहीं मानते जब जैन समाज या उसके लिटरेचर बताते हैं। हम तब मानते हैं जब लिख के आता है अमेरिका के तरफ से। परसों एक नया प्रबंध आया है, उसमें कहा गया है कि कलर थेरेपी नाम की भी एक थेरेपी है और जर्मनी में उसका बहुत बड़ा संशोधन हो रहा है और वो संशोधन भारत जैसे गरीब देश के लिए जहां पर दवाई लेना पॉसिबल नहीं है वहां पर रंगों के उपचार के आधार पर लोगों को ठीक किया जा सकता है। मैंने कहा क्या बड़ी बात तुमने कही, हमारे यहाँ तो 2070 साल पहले ये बात बता चुके है और तुम अब बता रहे हो, लेकिन हमको कब अच्छा लगता है? जब उधर से आता है। हमारे यहाँ योग अच्छा तब नहीं लगा जब तक वो योगा बन के उधर से नहीं आया, जब योगा बन के आया तो अच्छा लगा। लेकिन हालांकि रामदेव बाबा को इस विषय का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने योग को इस देश में नहीं दुनिया में बहुत बड़े तरीके पर प्रस्तापित किया और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस के सामने भी रोज योगा क्लास चलने के लिए एक जगह का निर्धारण किया गया है और वहां के कई कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद भी वहां पर योगा होता है। ऐसी हमारे चीजों को अगर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ लेकर जाएंगे तो संभव है, लेकिन हम नहीं करते। अजगर के उदाहरण पर हम थे कि हम विदेशी संस्कृति के आक्रमण के अजगर को नहीं झेल पा रहे हैं। ये अजगर को हम ड्रैगन के रूप में देखें क्योंकि व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्तिगत वो खुद व्यक्ति, उसका परिवार, उसका मोहल्ला, उसका गांव, उसका राज्य, उसका देश, इसमें देश भी उतना महत्वपूर्ण है। बहुत बार बहुत से लोग समाज के किसी विषय में पढ़ने के बजाय खुद सामर्थ्यशाली बनते हैं, वो आर्थिक सामर्थ्य लाते हैं, सारे प्रकार का सामर्थ्य लाते हैं, लेकिन इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि उनके गली में, उनके मोहल्ले में, उनके गांव में गुंडे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय कार्रवाइयां हो रही है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इस देश के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, इस पर ध्यान नहीं देते। वो लोग बुरे हैं ऐसा नहीं, वो बहुत ईमानदार है, लेकिन अपने प्रति ज्यादा ईमानदार है और खुद पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, कष्ट के साथ अपना परिवार, अपना व्यवसाय सब कुछ चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसकी वो ईमानदारी तब वो एक नुकसान का कारण बनती है जब उसी के मोहल्ले में रहकर आने वाले और भाईचारे के नाम पर लव जिहाद करने वाले उसके बेटी को भगा कर लेके जाते। हम उस पर बोलना अपने आप को कम्युनल मानते हैं, जातिवादी मानते हैं, लेकिन मित्रों इस देश में जब संख्या 1.5 लाख के ऊपर गई है तब तो कम से कम मुंह खोलना पड़ेगा ना इस विषय के खिलाफ कि नहीं पड़ेगा, क्या आप सहमत हैं?
लव जिहाद की इस समस्या ने हमारे यहाँ के परिवारों का सुख चैन खत्म कर दिया है। एक ऐसी गलत परंपरा इस देश में लाई है जिससे कि ना केवल परिवार बल्कि सामाजिक सौदारे खराब कर दिया है। और पहले तो केवल लड़की लेके जाते थे, अब घर में लड़की भेजने का भी चलन शुरू हुआ है और उससे भी परिवार डिस्टर्ब किया जा रहा है। देश के एक न्यायालय ने, मैं केवल एक पत्रकार होने के नाते इसके खिलाफ विद्रोही भाषा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, इस देश के दो उच्च न्यायालयों ने केरल और कर्नाटका लव जिहाद पर कहा कि लव जिहाद इस देश में आतंकवाद का एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर, साइलेंट सेल के तौर पर यूज किया जाता है और लव जिहाद से इस देश को खतरा है। इसकी सबसे ज्यादा शिकार जैन समझ की लड़कियां होती है। हमारे पास वो रेड कार्ड मैंने सुदर्शन पर दिखाया जब लव जिहाद पे मैंने कार्यक्रम किया, तो सबसे ज्यादा पैसे, क्योंकि लव जिहाद करने वाले को बख्शिश के तौर पर रकम दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, जॉब की गारंटी दी जाती है, तो उसमें अलग अलग धर्म जाति कैटेगरी के लड़कियों का अलग अलग रेट है। शायद आप ये विषय जानते भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पुनरुच्चार इसका होना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अर्जन के समय हमारे सामने चुनौतियों की भी हमने स्मरण करना चाहिए। और भगवान महावीर जी के जयंती के उपलक्ष्य में जब हम शक्ति का सामर्थ्य की साधना कर रहे, तो हमारे सामने चुनौती क्या है उसका विचार के लिए ये समस्या मैं गिना रहा हूं। तो उसमें रेट है, उसमें मुंबई का रेट कार्ड है जो कि दो दैनिक यहां के छाप चुके हैं, फिर भी लोग बोलने से कतराते हैं। उसमें 7 लाख रुपए है, अगर जैन समाज की लड़की को भगा कर लेके आओ तो आपको 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या ये फिर भी हमें स्वीकार्य है? अगर सिख समाज समुदाय की लड़की को भगा लेके जाते हैं तो 5 लाख रुपए का रेट है। उसके बाद दूसरे समाज, ऐसे अलग 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 समाजों के रेट आते हैं। ये रेट कार्ड छपता है, ये कुछ धार्मिक स्थलों में बढ़ता है, लेकिन हम शांति के नाम पर इसको अगर झेलते रहेंगे तो हम भगवान महावीर के विचारों को गलत तरीके से ले रहे हैं, ऐसा ही मैं कहूंगा। लव जिहाद की जैसी समस्या है, वैसे ही गौ माता की भी समस्या है। गौ माता के विषय में वैसे तो भगवान महावीर जी ने दुनिया के ऐसे सारे प्राणी मात्राओं का उल्लेख किया है जो कि आंखों से भी नहीं दिखते। इतनी उदात्त विचार जिन्होंने हिंसा के बारे में बताए हैं, उसमें अगर हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कुछ ले तो गौ माता आता है। गौ माता के विषय में हमारे यहां पर कितना अन्याय हो रहा है, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। कल एक SMS आया था, उस SMS में जैन समाज के बारे में लिखा था कि देश की सबसे ज्यादा जो गौशालाएं चलती है उनमें से 60% से भी ज्यादा की गौशालाएं जैन समाज चलाते हैं, और इसका मुझे बहुत बड़ा अभिमान है कि मेरे मित्र कई इसमें सहभागी हैं। लेकिन मित्रों, जिस पानी के टंकी में बाहर जाने वाले पानी की पाइप के साइज है 1 फीट की और पानी को भरने की साइज है 1 इंच की, वहां पर पानी की टंकी कभी ना कभी खत्म होगी। हम गाय को रोज बचा पाते हैं देश भर में ज्यादा से ज्यादा ललवानी जी जैसे योद्धा लोग और देश के कई गौ रक्षक एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1000 गाय पूरे देश में बचाते होंगे। लेकिन कटनी वाली की संख्या जब लाखों में है रोज की, तो गाय कभी ना कभी खत्म होने वाली है। तो गाय की गौशाला बनाकर उनको पालना ये पुण्य का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये अधूरा काम है। ये पूर्ण तब होगा जब गाय की कत्तल रोकी जाएगी। ये कब रोकी जाएगी? क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है सरकारी निर्णय की। केंद्र सरकार ने निर्णय करना है और केंद्र में सारे दलों का कभी ना कभी शासन आके चुका है, आ जा चुका है, सारे विचारों के शासन आ जा चुके, लेकिन किसी ने भी गौ हत्या बंदी की बात अभी तक नहीं की। आपको पता होगा कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हमारा विदेशी चलन शॉर्टेज में है, रुपयों का मूल्यांकन गिर रहा है। ऐसे में हमारा सबसे ज्यादा पैसा अगर विदेशी चलन के रूप में कहीं पर जाता है तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ खाड़ी देशों से भारत में लाने के लिए जाता है। तो सरकार को लगा कि अगर हम इस चलान को बचाएं और उन देशों के साथ किसी चीज की ट्रीटी करें कि हम आपको पैसे देने के बजाय हम आपको वस्तुएं देंगे, आप हमको फ्यूल दे दो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट दे दो, तो उन देशों ने मांग की
उन देशों के मांग का मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन हमारे देश के सरकार ने, हमारे सर्वदलीय संसद ने इस मांग पर मौन रखा और सरकार की सहमति को, निर्णय को मुक सम्मति दी, इसका मुझे दुख है। वो है पिंक रेवोल्यूशन। शायद आप जानते नहीं होंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है कि हरी भरी धरती माता हो, सब तरफ हरा भरा खेत हो, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। वैसे इस सरकार ने एक पुस्तिका अधिकृत प्रकाशित की है और उसमें कहा गया है कि हम हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा मांस खाड़ी देशों में भेजेंगे और उसके द्वारा हम वहां से पेट्रोल लाएंगे और उसके कारण हमारा विदेशी चलन बचेगा और हम विदेशी चलन के शॉर्टेज से भी बचेंगे और डॉलर के रेट से भी बचेंगे। सारे निर्णय केवल कागज पर, आंकड़े के आधार पर नहीं होते, सारे निर्णय केवल पैसे के मूल्यांकन पर नहीं होते, निर्णय भावनाओं के आधार पर भी होते हैं। और ऐसे निर्णय सबसे ज्यादा अगर किसी देश में होने चाहिए तो भारत में होने चाहिए, क्योंकि भावनाओं का देश है। पिंक रेवोल्यूशन मतलब पिंक इसलिए कहा गया कि मांस का कलर पिंक है, तो गाय माता का ज्यादा से ज्यादा मांस खाड़ी देशों में भेजो और उसके बदले में पेट्रोल लाओ। अगर देश का क्या राय है, क्या मन है, सरकार इसका सार्वमत लेना चाहती है, तो उसका निर्णय मैं अभी बता देता हूं कि मैं खुद या इस देश के कई गौ भक्त रोज पैदल चलने को तैयार है, हम गाड़ी में नहीं जाएंगे लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे। हमें पूछा ही नहीं गया कि क्या तुमको पेट्रोल चाहिए या गौ माता चाहिए, पूछा ही नहीं गया, निर्णय हो गया। ऐसे निर्णयों का विरोध होना चाहिए। इसलिए आज के इस मंच से मैं एक निर्णायक घोषणा करना चाहता हूं। मेरे कई पत्रकार मित्र भी आए हैं, उनके लिए बाकी सारी बातें न्यूज नहीं है, दादा की न्यूज तो फिर भी हो सकती है, हालांकि मैंने बोली है, आप लोग चिंता मत करिए, मेरे नाम पे बिल फाड़ दीजिए, लेकिन फिर भी एक बड़ी राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा मैं आज के इस मंच से करना चाहता हूं, क्योंकि गाय के विषय में काम करने की एक प्रेरणा स्थान मेरा जलगांव भी रहा है। बापना जी आपकी जो गौशाला है, वहां पर मैं 4 साल पहले आया था और उस गौशाला में, संभाजीनगर से जलगांव आते हुए मुझे किसी ने बोला कि ऐसी ऐसी गौशाला है, तो मैंने कहा हम कार्यक्रम में बाद में जाएंगे, पहले गौ माता का दर्शन लेंगे, बाद में कार्यक्रम में जाएंगे। और आपकी गौशाला मैंने देखी हुई सबसे अत्याधुनिक और सबसे अच्छी वेल्ड प्लान गौशाला थी। वो गौशाला देखने के बाद मैंने निर्णय किया कि ऐसे गौशालाओं का उदाहरण देश के अन्य गौशालाओं को दिया जाए तो वहां पर भी कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए गाय से जुड़ा हुआ एक आंदोलन, एक मूवमेंट, इसकी मैं घोषणा यहां पर करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि गाय से जुड़े हुए 3 विषय है। विषय पहला क्या है कि गाय क्या है, इसका समाज को सही प्रशिक्षण जानकारी दी जाए। गाय केवल भगवान उसमें वास करते हैं, इसके लिए पूजनी चाहिए, इतना ही भर नहीं है, क्योंकि हमारे यहां अंधश्रद्धा को स्थान नहीं है। गौ माता का आध्यात्मिक उपयोग तो है, उसका सामाजिक उपयोग है, उसका मानसिक उपयोग है, उसका आर्थिक उपयोग है, उसका जैविक उपयोग है, उसका वैज्ञानिक उपयोग है। ऐसे सारे प्रकार का उपयोग अगर दुनिया को कहीं बताना है तो गाय ये सबसे बड़ा अच्छा मार्ग है। और मैंने आपके यहाँ पर देखा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो गौ माता को वहां पर प्रदक्षिणा करती हैं, वो कल्पना देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो डॉक्टर तो वैसे भी इसीलिए पेशेंट को एडमिट करते हैं कि सीजर करके ज्यादा से ज्यादा बिल बनाया जाए, लेकिन अगर ऐसी स्वस्थ डिलीवरी होगी तो निश्चित तौर पर ये चीजें नहीं होगी। इसलिए गाय के बारे में समाज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उसका ज्ञान दिया जाए। दूसरा, गाय के विषय में उसकी हत्या, उसकी तस्करी, उसका गैर कानूनी तरीके से जो हो रहा शोषण, पलायन, कत्तल, ये रोका जाए। और तीसरा, इस विषय में सरकार को निर्णय करने के लिए बाध्य किया जाए कि इस देश में गौ की हत्या नहीं होगी। इसलिए एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा। आपको समझने के लिए मैं बताता हूं कि भारत में पिछले कुछ साल पहले सेव टाइगर नाम का कैंपेन आया था, पता होगा ना आपको, टाइगर। वैसे तो हम पशु दया करते हैं, प्राणी मात्राओं पर दया चाहते हैं, लेकिन देखिए हमारे देश की विदेशी सोच कैसी है। इस देश में किसी प्राणी को बचाने की शुरुआत अगर कहीं से की तो टाइगर से की, जबकि गाय से होनी चाहिए थी। वैसे वो टारगेट 2 साल में पूरा हुआ और सेव टाइगर का 5,000 शेरों को बचाने का टारगेट 2 साल में पूरा हुआ। उसके बाद मैंने तय किया
कि चलो जो भी हुआ हो, लेकिन इस देश में सेव टाइगर से भी बड़ा कैंपेन चलाएंगे, सेव काऊ। और वो सेव काऊ कैंपेन इतना बड़ा रहेगा कि इस देश का आम आदमी से लेकर इस देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हम उसमें लाएंगे। मैंने जब सचिन से, लता दीदी से और कई लोगों से बात की कि हम ऐसा गाय के लिए बचाने का कार्यक्रम ला रहे हैं, क्या आप इसमें फ्री में एंकरिंग या मॉडलिंग करेंगे, तो एक सेकंड लगाए बगैर मुझे देश के 10 से बड़े ज्यादा सेलिब्रिटी ने हाँ कहा है, लेकिन उनको जाकर मांगने वाला कोई अभी तक गया ही नहीं। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट केवल यह है कि गाय का विषय इतने बड़े समुदाय में एक साथ या मित्रों में करने के लिए हम हिचकिचाते हैं। कल मुझे ललवानी जी बता रहे थे कि हम जब ऐसे आक्रामक विषयों को लेकर जाते हैं तो अपने ही मित्र 4-8 दिन मिलना टालते हैं। लेकिन वो भले टाले, ऐसे मित्र कुछ काम के नहीं, लेकिन जब आप इस पे बार बार बोलते रहेंगे तो आपके जो नए मित्र बनेंगे वो आपके असली मित्र रहेंगे। इसलिए आप बोलते रहिए, करते रहिए। हमने भी तय किया कि हम इस विषय पर एक 50 सीटों वाला कॉल सेंटर दिल्ली में खोलेंगे। पिज्जा मंगाने के लिए तो टोल फ्री नंबर होता है, क्या गाय बचाने के लिए टोल फ्री नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है। हमने कहा कि 50 लोगों को बिठाएंगे, उनके सामने देश भर का नक्शा रहेगा, देश भर के गौ रक्षकों के नंबर रहेंगे, और जैसे ही हमको पता चलेगा कि कहीं पर गाय कटनी जा रही है, हमने उसका रिस्पांस टाइम आधे घंटे का रखा है कि 30 मिनट के अंदर हमारा सेव काऊ का कार्यकर्ता वहां पर जाएगा, वहां की पुलिस को सेम टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्म किया जाएगा, वहां पर जाकर देखेंगे कि दो दो हाथ भले ही क्यों ना करना पड़े लेकिन गाय को बचा के रहें। ये कैंपेन हम चालू करने जा रहे हैं और ये नेशन वाइड कैंपेन की घोषणा मैं आज जलगांव की इस भूमि से इसलिए करता हूं कि यहां पर बारिश भले ही कभी कम हो लेकिन यहाँ का पिक फिर भी जलता नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पर रोपण करने वाला अपने पसीने के साथ उसको सींचता है और इसलिए वो जीवित होता है, उसमें हरियाली आती है। दूसरा, मेरा यह भरोसा है कि जब संकल्प सत्य होता है तो उसको पूरा करने का काम भगवान का होता है। आप संकोच के बगैर पूरे ईमानदारी से निष्ठा के साथ अगर संकल्प का स्मरण करते हैं और भगवान को कहते हैं कि मैं संकल्प लाऊं, उसको पूरा करने का काम भगवान पे है, लेकिन हमारी ही श्रद्धा कई बार पूरी नहीं रहती। हमको लगता है कि इतने कसाई है, कैसे भगवान इसको बचाएगा, और हम ही संकल्प को नहीं लेते। लेकिन इस देश में आज जितनी कसाईयों की संख्या है, वो जितने सामर्थ्यशाली है, उससे भी ज्यादा सामर्थ्यशाली इस देश में कभी वो 1000 सालों तक थे, लेकिन फिर भी इस भगवान की शक्ति ने हमको बचाया था। इस चीज को आपको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए सत्य संकल्प लेना चाहिए। मैंने भी जो टीवी चैनल शुरू किया, मैं कोई आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़े संपन्न परिवार से नहीं हूं, लेकिन जब मुझे लगा कि इस देश में टीवी चैनलों पर इंडिया तो दिखाया जाता है लेकिन भारत नहीं दिखाया जाता, तो मैंने कहा कि मैं चैनल चालू करूंगा जिसमें मैं भारत दिखाऊंगा। मैंने संकल्प लिया, यह केवल मेरे लिए व्यवसाय नहीं था, इसलिए मैंने इसका स्लोगन दिया, केवल चैनल नहीं देश नंबर एक बनाना है, और संकल्प लिया और ये चैनल शुरू हो गया। मैं जब दिल्ली में गया तो मुझे कई लोगों ने कहा, सुरेश ऐसे जब बिजनेस करने होते हैं, मैं खास करके युवाओं को ये कहना चाहूंगा, माताओं को कहना चाहूंगा, कि हम अपने यश की या हमें जीवन में कुछ अलग और बड़ा करना है तो उसकी व्याख्या गलत करते हैं, इसलिए कर नहीं पाते हैं। मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूं, इसका श्रेय मुझे नहीं भगवान को देता हूं। मैं जब दिल्ली में गया तो मुझे कई लोगों ने कहा, सुरेश 100 करोड़ रुपए का शुरू में और चलने के बाद 1000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी गॉड फादर के बगैर संभव नहीं है। हमारे देश के ज्यादातर युवा यही सोचते हैं और इसलिए गॉड फादर के रूप में किसी ऐसे फादर के पीछे घूमते हैं कि वो फादर आपको अनाथ कर देता है, खुद तो मालामाल हो जाता है। और वो मैंने कहा कि मैं तो खुद, मेरा गॉड फादर कोई नेता नहीं रहेगा, मेरा गॉड फादर कोई उद्योगपति नहीं रहेगा, मेरा गॉड फादर तो साक्षात गॉड है, मुझे किसी व्यक्ति को फादर बनाने की जरूरत नहीं है, साईं बाबा मेरे सामर्थ्य है, वो मुझे मदद करेंगे। मैंने शुरू किया, बहुत परीक्षाएं आई, व्यवसाय जब नया शुरू करने जाते हैं तो कई समस्याएं आती है, बहुत समस्या आई। तब मैं हर बार अपने टीम को सामने बिठाता था और उनका हौसला बढ़ाता था और कहता था कि मित्रों
भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। दो चार बोलने के, दो चार बार, तीन चार बार बता के हुआ, तो सब लोगों का हौसला एक जैसा नहीं होता, उतना पेशेंस नहीं होता। कुछ मित्रों ने कहा कि भाई भगवान हमारे ही चैनल की क्यों परीक्षा ले रहा है, MTV की क्यों नहीं लेता, VTV की क्यों नहीं लेता, हमारी क्यों ले रहा है। मैंने कहा मित्रों, जो गुरु होता है वो परीक्षा किसकी लेता है, वो अपने विद्यार्थी की लेता है, अपने शिष्य की लेता है। हम भगवान के शिष्य है, MTV VTV वाले वैसे भी भगवान के शिष्य नहीं। जो कपड़े उतार कर रैंप पर हमारे भगिनियों को नचाते हैं वो भगवान के शिष्य नहीं हो सकते। हम भगवान के शिष्य, इसलिए हमारी परीक्षा हो रही है। ईमानदारी से प्रयास करिए और उस पर भरोसा रखिए, हम विजय होंगे। जब हमको पहला भारत का ग्रामीण नंबर 1 चैनल का अवार्ड मिला तो मैंने मंच से इसी बात को कहा, तो नीचे से किसी ने कहा कि सुरेश जी प्रवचन दे रहे हैं। मैंने कहा दिल्ली वालों को वैसे भी नेताओं की भाषणों की आदत है, मेरे शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन अगर ये प्रवचन दिल्ली के जिस दिन समझ में आएगा, इस दिन इस देश के भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, वो भाग्य उज्जवल रहेगा, क्योंकि दिल्ली इस देश के प्रवचन को नहीं समझती। मैंने वो संकल्प लिया और हम आगे चले। फिर भी समस्या आती रही, पता न जाने क्या था कि कोई कमी खल रही थी कि काम पूरा नहीं हो रहा है, मिशन पूरा नहीं हो रहा है, देश को जगाया नहीं जा पा रहा हूं, देश में भारतीय संस्कृति का विचार और रखना चाहिए, कुछ कमी लग रही थी। तब मुझे एक जैन मुनि जी मिले, विजय रत्न सुंदर सूर्य जी, और उन्होंने कहा कि बहुत बार आप पिता से संवाद साधने में कमजोर होते हो, दबाव रहता है, तो पिता को कौन समझा सकता है, माता समझा सकती है। अब दिल्ली में कोई गॉड फादर पुरुष हो सकता है और गॉड मातर कोई पॉलिटिकल लेडी हो सकती है, तो कोई पॉलिटिकल समझ वाला व्यक्ति होता तो किसी महिला राजनेता को आपकी गॉड मदर बना लेता, लेकिन मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे उनके इशारे में समझ में आया कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि गॉड ही मेरा फादर है, मुझे व्यक्ति की जरूरत नहीं, वैसे अगर मुझे कोई गॉड मदर चाहिए तो मुझे किसी महिला राजनीति की जरूरत नहीं, गो माता मेरी गॉड मदर रहेगी, वो मेरे गॉड फादर को समझाएगी कि सुरेश ईमानदारी से काम कर रहा है और वो कुछ कारणों से भले ही असफल होता हो, आप इसको आशीर्वाद बना के रखिए। इसलिए भी मैं गौ माता की सेवा करता हूं। और 2010 के 1 दिसंबर को, जिस दिन से मैंने सुदर्शन टीवी चैनल पर गौ माता के लिए रोज का आधा घंटा गौ दर्शन नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, मेरे चैनल की बैलेंस शीट में भी, मतलब बिजनेस की भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग बिजनेस ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, बैलेंस शीट में भी एक ही साल में 10 गुना का फर्क पड़ा है और इस साल में 50 गुना का फर्क पड़ेगा, चैनल 50 गुना ज्यादा मुनाफे के साथ आगे जाएगा। गौ माता की जब से हमने सेवा चालू की, हम रेंटेड ऑफिस में थे, छोटा सा ऑफिस था हमारा 10,000 square feet का। गौ माता की सेवा का परिणाम है, हम गौ माता की चिंता करते हैं, हमारे व्यवसाय की चिंता वो करती है। गौ माता के सेवा का परिणाम है कि आज मैं आपके पास आया हूं, आज ही इसी वक्त मेरे कंपनी के लोग आधा एकड़ के ऑफिस में सुदर्शन टीवी चैनल की रजिस्ट्री कर रहे हैं। मुझे आज वहां रुकना था, लेकिन मैंने कहा कि जिनके आशीर्वादों से मिला है उनके यहां जाएंगे, रजिस्ट्री लेने की और बिल्डिंग लेने की ताकत भी उन्होंने दी थी, रजिस्ट्री भी वही करवा लेंगे, मैं तो जलगांव जाऊंगा। तो गौ माता की ये सेवा के ऊपर हम वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक सारे प्रकार का अगर विश्वास रखते हैं तो यह सब कुछ संभव है। मुझे लगा कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इन्हीं विषयों में मैं आपके सामने चर्चा करूं। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलने के बजाय महावीर जी के कुछ विचारों को मैंने आपके सामने कल, आज और कल के रूप में रखा। मेरे बोलने के, संभाषण के इस दौर में आखिर में यही कहूंगा कि विचार केवल पढ़ने के लिए नहीं होते, उसको अपने आप में आत्मसात करना जरूरी है, विचारों जैसा जीवन जीना जरूरी है। वो मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। हम महावीर जी के लिए सालों साल यहां एकत्र आते हैं। मुझे पता चला कि 70 साल से यह संगठन काम कर रहा है। मैंने यहां आने में जो कारण विनोद है, वैसा ही एक और कारण है कि एक संगठन 70 सालों तक एक साथ चल रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यह ईमानदारी के बगैर संभव नहीं है। इसलिए मैंने आने में जो भी और कारण रहे उसमें यह भी कारण सोचा कि यह संगठन चल रहा है।
लेकिन हमारे 70 सालों के परिश्रमों को अब अंतिम रूप देने की बारी आई है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह देश कभी भी इतने बड़े मुश्किल में नहीं था, इतने मुश्किल में इन दिनों में है, केवल राजकीय नहीं, सारे दृष्टिकोण से। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो अपने लिए क्यों मांगे? हम केवल अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए क्यों मांगे? हम मांगे तो पूरे देश के लिए मांगे, पूरे विश्व के लिए मांगे। इसलिए आज इस महावीर जयंती पर हम संकल्प करते हैं कि इस देश में जो अकाल पड़ रहा है, इस देश में जो आतंकवाद का अजगर ड्रैगन आया हुआ है, चाइना हमारे देश में खाने के ऐसे प्रोडक्ट भेज रहा है जिनको खाने के बाद खाने वाले का नपुंसक होना कुछ सालों में तय है, हम खा रहे हैं। उन्होंने हमारे सीमा तक बड़े बड़े हाईवे लाके पहुंचाए हैं, बड़े बड़े ट्रेन के ट्रैक बिछा के रखे हैं। और मेरे लिए, हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में पिछले 15 दिनों से कई किलोमीटर अंदर आकर चाइना ने अपना कैंप लगाया है, लेकिन भारत मौन है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे लिए शर्म की बात है। इसके ऊपर भी हमको, अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व हमको ताकत नहीं दे सकता तो ताकत हमको महावीर दे सकते हैं, उनको हमको ताकत मांगनी होगी। इस देश में अशिक्षा के लिए हमको ताकत मांगनी होगी कि हम सबको शिक्षित कर सके, हम सबको भरपेट अन्न मिले इसके लिए मांग सके। हम मांगना है तो मांगे यहाँ के सांस्कृतिक आक्रमण को रोकने के लिए, मांगना है तो मांगे यहाँ पर भ्रूण हत्या रोकने के लिए, मांगे तो मांगे इस देश में हो रहे तमाम बलात्कार, वो केवल किसी शरीर रूपी बहन पर ही नहीं तो आम आदमी पर भी जो हो रहे विभिन्न तरीके से, उसको रोकने के लिए। मैं आशा करता हूं कि हम ये मांग भगवान महावीर के सामने जो रख रहे हैं, इसे पूरा करने में केवल वो और वो और वही सामर्थ्यशाली है। इसलिए इस सामर्थ्य को वो हमको दे और हम अपना ईमानदारी के साथ इसको पूरा करने में अपना योगदान दे सके। बोलने के इस क्रम में अगर मैं कुछ आती भी बोल गया हूं तो मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। बहुत लोगों का नाम लेने के बाद, उनको धमकाने के बाद, कुछ लोग कार्यक्रम के आखिर में भाषण में बोलते हैं कि अगर कुछ किसी को गलती से कुछ बोल दिया हो तो माफ करो। मैं यहाँ पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, इसलिए जिसका भी नाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लिया है उसको मैंने चुनौती दी है, वो सुधर जाए, मुझे मेरे शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं। जय जिनेंद्र। तो आपने देखा कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान की जी पहुंचे। उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि अगर हम अपने जीवन में महावीर जी की बातों को ग्रहण करते हैं, उसे उतारने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सभी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही है, विदेशी संस्कृति का जो अजगर है वो आतंक का रूप ले चुका है, तो हमें विदेशी संस्कृति को थोड़ा सा किनारे करना होगा, अपनी संस्कृति में एक बार फिर से रमने की कोशिश करनी होगी, जिससे समाज में जो भी अराजकता फैल रही है, जो भी बुराइयां हो रही हैं, उसे हम जरूर समाप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने संकल्प लिया कि गायों की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए, गायों में देवी देवताओं का वास होता है, अगर हम गाय की सेवा करते हैं, अगर हम सेव टाइगर की सेवा करते हैं, टाइगरों को बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में जिस भी चीज का लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। देख रहे हैं सुदर्शन।